हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता होगा एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में, जहां मैल फंक्शन की वजह से एक इंडियन अनआर्म्ड वेसल एक्सीडेंटल फायर हुई। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट्स के बारे में और साथ ही साथ क्यों पाकिस्तान चाहता है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो 2005 में प्री नोटिफिकेशन बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां एक कंट्री दूसरे कंट्री को पहले नोटिफाई करना होता है किसी भी तरीके का फ्लाइट टेस्ट, जैसे कि लैंड से लॉन्च या सी से लॉन्च या सरफेस टू सरफेस लॉन्च हो। एक कंट्री को नोटिस टू एयर मिशन और नेविगेशन वार्निंग भी इशू करना होता है, जिससे कि एविएशन पायलट्स और सी फेयरर्स भी अलर्ट हो जाएं। ऐसे प्री नोटिफिकेशन को कन्वे करने के लिए रिस्पेक्टिव कंट्री की फॉरेन ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। 9 मार्च को टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से एक अनआर्म इंडियन मिसाइल लैंड करता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, और ये बात इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी एक्नॉलेज करती है 11 मार्च को। इस इंसिडेंट की वजह को समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भी ऑर्डर किया, बट क्योंकि अनआर्म्ड मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड हुआ, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि सही फैक्ट्स का पता चल सके इस इंसिडेंट को लेके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि दोनों कंट्री ने डेलिब्रेट एफर्ट्स को यूज़ किए जिससे कि सिचुएशन एस्केलेट ना हो। आई होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।